बच्चों आज हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम मार्स भी कहते हैं। तो चलिए पहले इसके नामकरण को समझते हैं। मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर यानी रोमन ग्रीक जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें इसे युद्ध का देवता माना गया है। उसी प्रकार भारतीय पौराणिक कथाओं में मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना गया है, इसी का इसका अन्य नाम है भौम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी बुक में जो लिखा उसे पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम इसे डिटेल में देखेंगे। मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। चलिए बच्चों अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह, यहाँ अगला का मतलब है चौथा। यहाँ देखिए ये रहा हमारा सौरमंडल और ये रहे आठों ग्रह। ठीक है बच्चों, सबसे पहले में देखेंगे ये रहा बुध, दूसरे नंबर पर रहा शुक्र और तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी पृथ्वी, और ये जो चौथे नंबर पर छोटा सा ग्रह दिख रहा है बच्चों यही है मंगल। ठीक है बच्चों, तो ये है मंगल ग्रह। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर इसे हम देखें तो कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी और ये रहा मंगल, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है मंगल। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे भारी पार्थिव यानी टेरिस्ट्रियल प्लेनेट। बच्चों इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्रहों के प्रकार वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए। ठीक है बच्चों, बच्चों सूर्य से मंगल तक के ग्रह जो हैं, ये चार जो ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या इनर प्लेनेट कहते हैं, और मंगल के बाद यानी बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को हम कहते हैं बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट। तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला आंतरिक ग्रह क्या था, सूर्य के बाद बुध था, और सबसे अंतिम यानी सबसे बाहरी पार्थिव ग्रह टेरिस्ट्रियल प्लेनेट कौन है, मंगल। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना, सबसे बाहरी पार्थिव ग्रह क्या है, मंगल। अब हम देखेंगे सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो ये रहा सूर्य और ये रहा मंगल ग्रह। तो बच्चों सूर्य से मंगल की दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर, या इसे मैं अगर और सरल कर दूं तो 22 करोड़ 28 लाख किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इतनी दूरी है, या अगर इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काउंट करें तो ये होता है 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूर्य से सूर्य के प्रकाश को मंगल तक पहुँचने में लगते हैं 13 मिनट। अच्छा बच्चों ये बताओ, सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये रहा हमारी प्यारी पृथ्वी और ये रहा मंगल ग्रह। अब हम पृथ्वी की त्रिज्या पहले देखते हैं। पृथ्वी त्रिज्या का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूँ, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो यह है 6371 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ा पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक, तो यहां पर हम देखते हैं मंगल की त्रिज्या जो है 3390 किलोमीटर, तो यहां पर हम देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से अधिक है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना, तो यहां पर देखते हैं पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.972 × 10^24 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मंगल ग्रह का हम द्रव्यमान देखते हैं 6.42 × 10^23 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/9 गुना है। अब हम बात करते हैं मंगल की गति। जैसा कि आप जानते हैं सभी ग्रह दो प्रकार की गति करते हैं, पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। तो पहले हम घूर्णन गति को समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये जो मंगल ग्रह है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है, थोड़ी झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल ग्रह भी जो है अपने अक्ष से 25 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है, 25 डिग्री। अब देखते हैं घूर्णन की दिशा क्या है, तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह के जो घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। पूरे सौर मंडल में सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं बच्चों, यूरेनस और विनस, जिसके घूर्णन की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम है, बाकी सभी ग्रहों की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ठीक है बच्चों, अब घूर्णन कॉल यानी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में मंगल को कितना समय लगता है, 23 घंटा 37 मिनट, लगभग 25 घंटा। ठीक है बच्चों,
इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पृथ्वी में एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार मंगल का एक दिन हम कह सकते हैं 25 घंटे का होता है। चलिए हम अब इसकी दूसरी गति यानी परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन इसे देखते हैं। देखो बच्चों, परिक्रमण का मतलब मैंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं परिक्रमण, और इस एक चक्कर को लगाने में उस ग्रह को जितना समय लगता है उसे कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है बच्चों, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मंगल जो ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगाता है 687 दिन, यानी पृथ्वी में एक दिन जो होता है उसी के बराबर 687 दिन लगाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मंगल का एक वर्ष होगा कितने दिन का होगा, 687 दिन का। अब देखते हैं मंगल की सतह या मार्स सरफेस। बच्चों हमने कहा था मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी लाल ग्रह क्यों कहते हैं देखते हैं। एक मिनट, मैं पहले कलर चेंज करता हूँ, येलो। ठीक है बच्चों, तो मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ये मंगल की सतह देख रहे हो, यहाँ पर धूल मिट्टी चट्टानें दिखाई दे रही है बच्चों, और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण बच्चों मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट। एक और इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है ओलंपस मून्स। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, ये हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह यानी 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मून्स। इसकी जो ऊंचाई है लगभग है 27 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, जैसे हमारी पृथ्वी में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है बच्चों, क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब हम मंगल के वायुमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी की तुलना में मंगल का वायुमंडल बहुत ही पतला है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जिसका परसेंट कितना, 96%। इसके अलावा नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैसें भी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंगल ग्रह की सतह है, और ये आपको यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये पतला सा जो लेयर है ये इसका वायुमंडल है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मंगल के प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह जो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये मंगल ग्रह है, और ये आपको उसके दो उपग्रह, एक है फोबोस और एक है डिमोस। ये देख सकते हैं ये है फोबोस, और ये थोड़ी दूर पर जो दिखाई दे रहा है ये है डिमोस। ये हमारे मंगल ग्रह के क्या कर रहा है, चारों ओर इस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो इस चित्र में ये जो ये बिल्कुल एक आलू के जैसा दिखाई देता है बच्चों, ये फोबोस है और ये है डिमोस। तो मंगल ग्रह कितने, मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। जीवन की तलाश। पूरे सौर मंडल में मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों ने रुचि ली है, और जीवन की तलाश की खोज वहां आज भी जारी है। अभी मंगल में कम से कम 49 स्पेसक्राफ्ट जा चुके हैं बच्चों। हाल ही में आप देख रहे हैं मार्स 2020 मिशन, ये जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसको 30 जुलाई 2020 को छोड़ा गया था, जिसका नाम है परसेवरेंस। ये आप देख सकते हैं ये स्पेसक्राफ्ट है जो मंगल की सतह की परीक्षण करेगा, और इसी के साथ ही बच्चों इसमें इंजीनिटी मास ड्रोन हेलीकॉप्टर, मतलब मंगल के ग्रह पर हम ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ये देख सकते हो ये इसका चित्र है जो उसके वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी जिसे हम मॉम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी मिशन मंगल। ये हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा इसे छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, रॉकेट का नाम है PSLV C-25 बच्चों। ऑर्बिटल इंसर्शन है मतलब मंगल की जो मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह के ऑर्बिट यानी इसकी कक्षा पर ये कब पहुंचा था, 24 सितंबर 2014। ठीक है बच्चों, इस 24 सितंबर को इसको अब कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।